শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে গৃহবধূর রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ভাটপাড়ার আর্য সমাজ এলাকায়। জানা গিয়েছে, মাস তিনেক আগে আর্য সমাজ গোয়ালাপাড়া এলাকায় মোহাম্মদ নাদিমের সাথে বিবাহ হয় ভাটপাড়া চালতা রোডের বাসিন্দা ইসরাত পারভিনের। তারপর থেকে নানান সময় ইসরাত পারভিনের ওপর পণের দাবিতে চাপ দিত তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। মোহাম্মদ নাদিম কর্মসূত্রে দুবাইতে থাকেন। আজ ইসরাত পারভিনের চূড়ান্ত দেহ উদ্ধার হয় আর্য সমাজের গোয়ালাপাড়ার বাড়ি থেকে। তারপর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। महीना पहले हुआ था, दिसंबर में, ठीक है। उसका हस्बैंड अभी दुबई में काम करता है। शादी का 2-2.5 महीना बाद वो दुबई चला गया। अभी उसका घर में उसका ससुर और ससुर का बड़ा लड़का और उसका ननद और ननद का हस्बैंड, यही लोग घर में थे बहन का साथ, ठीक है। अभी आज हमको 6 बजने में कुछ मिनट बाकी था, उसका ननद हमको फ़ोन की, बट मैं बिजी था, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, ठीक है। फिर फ़ोन किया बट हम रिसीव नहीं कर पाया था, मैं काम में बिजी था। फिर मैं मुझे फिर दूसरा उसका मोहल्ला से मुझे जानकारी मिला, तुम्हारा बहन को मार दिया है लोग, ठीक है। फिर उसके बाद से उसका ननद को मैं बैक कॉल किया, वो रिसीव नहीं किया, फ़ोन काट दिया। 2-3 बार मैं कॉल ट्राई किया, उसके बाद जब मैं जाके देखा उसका ससुराल में, तो मेरा बहन टाली का घर है, बांस में उसका दुपट्टा से वो लटकी हुई है, उसका पैर बेड में टच है, ठीक है, यही देखा और मरी हुई थी। तो आपको क्या लगता है, मार दिया भाई? उसको मार दिया गया है भाई। वो मेरा बहन प्रेग्नेंट थी, उसका हस्बैंड अभी यहाँ था, तब भी उसका हस्बैंड खुद ट्रीटमेंट करवा के गया था, ठीक है। अभी उसका कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती है भाई, खुद से, ठीक है। उसको मारा गया है, उसका ननद, नंदोसी, उसका ससुर और बड़ा लड़का। शादी का 1.5 महीना बाद बहन खुद फ़ोन की थी हमको कि भाई घर पे आ। हम गए, पूछे क्या हुआ, तो मैं घर गया उसका, तो जाते के साथ रोने लगी। हम बोले बोलो क्या हुआ, हम तो आए ना, बताओ। तो बोली कि इन लोगों को सोना का चैन चाहिए, सोफ़ा सेट चाहिए। तो मैं लड़का भी था और उसका ससुर भी था, दोनों को सामने बैठा के पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो वो लोग उस वक्त बोला कि नहीं, हम लोग मजाक किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो मुझे डाउट है, डाउट क्या, 100% श्योर है वो लोग ही मारा है। अभी वो लोग घर में कोई मेंबर नहीं अवेलेबल है, घर खाली, अरेंज था। अब क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए भाई। पुलिस में बोला, अभी पुलिस जाएंगे, थाना जाएंगे, अभी जाएंगे थाना। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा। कौन होता है आप? मैं लड़की का बड़ा भाई।